वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि सबसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके फ्रेंड्स के पास भी पहुंचते रहें, तो फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने ल्यूपिन लिमिटेड लेके आया हूँ फ्रेंड्स, सबसे गजब का शेयर है। लेकिन मैं इसको लेके क्यों आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि अभी ये शेयर बहुत ज़्यादा 1200 रुपये से सीधे 900 की रेंज में आ गया है फ्रेंड, इसीलिए मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो बने रहिए कि इसके फंडामेंटल्स और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपकी नज़रों के सामने ल्यूपिन लिमिटेड, और 5 क्वार्टर का, मैं हमेशा 5 क्वार्टर लेता हूँ। 5 क्वार्टर लेने से मतलब आज फ्रेंड्स वाला क्वार्टर में समझिएगा, मैं इसलिए ये क्वार्टर लेता हूँ कि आपको इससे पता चलेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है इसका। तो जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये 5 क्वार्टर हो गए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं जितने भी, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये सेल्स से रिलेटेड होता है। तो ये ऑपरेशन से इनका कितना आता है ये देखिए फ्रेंड्स, कि जो जून क्वार्टर है तो ये देखिए, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, और ये धमाकेदार इंक्रीज, ये देखिए क्या धमाकेदार इंक्रीज हुआ। यही रीजन है फ्रेंड्स कि इस क्वार्टर में ये शेयर 900 रुपए से सीधे उठा के 1200 रुपए पहुंच गया ये इस क्वार्टर में, और अभी तुरंत गिर गया। गिरने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, कोविड की वजह से जो भी फार्मा सेक्टर ऊपर था, अब कोविड चूंकि धीरे धीरे खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, तो जो कोविड की वजह से ऊपर गया वो सारे शेयर फिर से कंसोलिडेट होके फिर से सही हो जाएंगे। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये शेयर मेरे रडार पे क्यों है, क्योंकि ये कोविड की वजह से ऊपर गया ही नहीं, ये मेरे पास शेयर था फ्रेंड्स, मैंने इसको 900 रुपए में खरीद के 1000 रुपए में करीब इसको 10 बार बेचा। मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने भी इसको 1000 रुपए में खरीद के 1050, 1060 के आसपास करीब 4 या 5 बार बेचा इसको। ये कोविड की वजह से कंसोलिडेट करता रहा। कोविड की वजह से कौन सा शेयर ऊपर गया, सिप्ला ऊपर गया फ्रेंड्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ऊपर गया, ये नहीं गया ऊपर। लेकिन गिरा क्यों, चूंकि फ्रेंड्स सनम हम तो डूबे हैं, है तुमको भी लेके डूबेंगे, ये उस वजह से पूरा फार्मा सेक्टर गिर रहा था, इसीलिए फ्रेंड्स ये गिरा शेयर। आप फ्रेंड्स इस शेयर के बारे में आगे देखते हैं कि इसका प्रॉफिट देखते हैं, चल के आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख लीजिए इनका कितना, केवल 2000 रुपए कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज हुआ, और वहां इनका रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, लाखों बढ़ गया। ये देखिए एक्सपेंस इनके कितने हुए, स्लाइटली बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं हुए, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं हुए, और रेवेन्यू आपने ऊपर देख रखा था, हजारों से इंक्रीज हो गया था। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितने हैं, 3000 से 20000 टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया इनके ऊपर फ्रेंड्स। उसके बाद इनका प्रॉफिट देख लेते हैं, टैक्स वैक्स देने के बाद प्रॉफिट, क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई। ये देखिए ये क्या बात, ये देखिए क्या बात, बिल्कुल डबल। देखिए 2000 4-5 हजार रुपए से केवल इनका एक्सपेंसेस बढ़े, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया यहाँ। यही रीजन है फ्रेंड्स कि ये 900 रुपए का शेयर, 950 के आसपास चलने वाला शेयर, ये एकदम से 1200 पहुंचा, और जब ये पहुंचा तो केवल कुछ टेम्पोररी सिचुएशन कारण फिर से फ्रेंड्स ये उसी रेंज में आ गई। अब फ्रेंड्स इसको क्या करना है, अभी से खरीदना शुरू करना है इसको, अब खरीदना, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे शेयर को खरीदने के लिए कुछ तो रीजन होता है फ्रेंड्स, तभी आपको अच्छे शेयर सस्ते मिलेंगे, कुछ तो रीजन होता है। तो जो कुछ भी रीजन रहा हो, आपको रीजन से मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्पोरेरी सिचुएशन है इसकी, और ये कोविड की वजह से भागा भी नहीं है, तो आने वाले समय में फिर से ये गजब की रिटर्न देगा। अगले क्वार्टर में देख लेंगे इसको रिटर्न का। तो जब फ्रेंड्स आपका शेयर 10% नीचे जाए, आपको 950 960 के आसपास खरीद लेते हैं अगर आप, तो जैसे ही 10% नीचे जाए तो वहां से उसको एवरेज करना है, और एवरेज पे ध्यान दीजिएगा कि सिप्ला से नीचे जाने ना पाए, अगर सिप्ला से नीचे गया है तो उसको एग्जिट लगाना है, ऐसे समझिए मार्केट को, मार्केट इस तरीके से चलता है। अब फ्रेंड्स धीरे से इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट दमदार, डबल धमाकेदार प्रॉफिट, कोई दिक्कत प्रॉफिट में नहीं थी। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझो, अगर हार्डवेयर इसका फंडामेंटल है तो सॉफ्टवेयर इसका ये है, ये टेक्निकल, ये क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बहुत काम आता है, और जो लॉन्ग टर्म में है उनको तो सोचना ही नहीं है ल्यूपिन लिमिटेड के बारे में, मस्त तरीके से बने रहना ल्यूपिन लिमिटेड में। तो अब इसके बाद कर लेते हैं चार्ट का, चार्ट ये देखिए फ्रेंड्स कंसोलिडेट करा इसके, ये शेयर चलता ही फ्रेंड्स इसी तरीके से बिल्कुल नाचते हुए। ये देखिए कमजोर देर वाले शेयर में एंटर ही ना करें, ये जो आग से खेलने वाले हों फ्रेंड्स वही लोग केवल इस शेयर में इन्वेस्ट करें। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, तो मेरा मानना है कि
कि यही सीन सेम सीन हुआ था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। मैंने इसको 1800 में कुछ था, 1650 पे आया, मैंने खरीद लिया। इसके बाद फ्रेंड्स ये 1550 तक गया, और फ्रेंड्स जब ये 1750 के आसपास, मैं 1650 के आसपास मैंने खरीदा, और 1732 के आसपास इसको मैंने बेच दिया। और जब मैंने इसको बेचा ना फ्रेंड्स, 1732 से 1785 के आसपास मैंने इसको बेचा था, मतलब 1700 की रेंज में मैंने इसको बेचा था। और फ्रेंड्स जैसे ही मैंने बेचा ना इसको, ये बूम 2600 रुपये, 2600-2500 रुपये के आसपास अभी चल रहा है ये। तो ये हालत हुई थी फ्रेंड्स कि मैंने उसको, उस समय कॉन्फिडेंस था पूरा, फंडामेंटल भी यकीन था, दिन साल में 4 बार डिविडेंड देता है फ्रेंड्स, फिर भी कमर तोड़ती गई। पेशेंस का ये मजा, मार्केट में बने रहोगे तो टिके रहोगे, और मतलब टिके रहोगे फ्रेंड्स तो बने रहोगे यहाँ पर। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस आ सकता है। अगर आपको यहाँ पर मिलता है 875 के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको 875 के आसपास, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको, चूंकि ये Nifty 50 का शेयर है तो ये ज़्यादा गिरेगा नहीं फ्रेंड्स, तो ये क्या करना है, यहीं से इसको एवरेज करना है। इसके बाद एवरेज करना है, कब एवरेज करना है, अगर एक बार खरीद लिया है, एक शेयर खरीद लिया है, तो एवरेज तब करना है फ्रेंड्स जब 10% वो नीचे जाए। और सिप्ला पे ध्यान रखिएगा, सिप्ला से नीचे ना गिरे ये, मतलब सिप्ला दूसरे नंबर पे, ये फर्स्ट रैंक पे। तो ये हो गया फ्रेंड्स टेक्निकल के बारे में, बहुत गजब का शेयर है फ्रेंड्स, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो होल्ड करके चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो जिनके पास ये शेयर नहीं है तो वो फ्रेंड्स क्या करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे और सही समय आने पर इसको खरीद लेंगे, वॉच लिस्ट में अल्टीमेटली ऐड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में आग की तरह फ्रेंड्स फैला दीजिए। हम सभी लोग मीटअप करेंगे फ्रेंड्स, एक दिन जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।